हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आम पापड़ से बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे मैंने नाम दिया है मैंगो डिलाइट। तो देखते हैं यह किस तरीके से बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैं एक कप मिल्क पाउडर डाल दूँगी, आधा कप हम इसमें चीनी डालेंगे और एक से डेढ़ चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ और एक कप हम इसमें दूध डालेंगे। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ इंस्टेंट मावा बनाने की रेसिपी है, ये मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है, उसके लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये मावा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें, आप इसमें डायरेक्ट मावा को यूज़ करें। और आप देख सकते हैं जैसे ही यह गर्म हुआ है वैसे ही इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक यह पैन ना छोड़ने लगे। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है, इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो मिल्क पाउडर पैन की तली में चिपक जाएगा। और काफ़ी ठीक हो गया है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए और चलाऊंगी जब तक यह पैन ना छोड़ने लगे। ये अच्छे से बन गया है, पैन भी छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी, इससे जो मावा है उसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और मैं इसे ठंडा करने के लिए एक बोल में निकाल दूंगी। और आप देख सकते हैं यह अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैंने जो आम पापड़ बनाए थे, ये होममेड आम पापड़ हैं, उसके ऊपर मैं इस मावा को लगा दूंगी। मैंने ये होममेड आम पापड़ का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आम पापड़ बना सकते हैं या आप मार्केट का जो आम पापड़ आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने सेकंड लेयर आम पापड़ की लगा दी है, उसके ऊपर हम फिर से ये मावा लगाएंगे। इसके ऊपर मैं तीसरा आम पापड़ की लेयर लगा दूंगी। चारों तरफ से इसे इकसार करेंगे जिससे जो मावा है बाहर ना निकले। और आप देख सकते हैं थोड़ा मावा चिपक रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और मैंने इसे इकसार कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। जब भी आप इस तरीके से कटिंग करें तो जिगजैग वाले नाइफ का यूज़ करें। और देखिए आप कितनी बढ़िया हमारी मैंगो डिलाइट बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से मैंने मैंगो रोल्स भी बनाए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और आप देख सकते हैं लुकिंग कितनी बढ़िया लग रही है, कितना लग रहा है कोई कि हमने ये घर पे बनाया है। और इसके एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद से देखिए, बहुत टेस्टी हमारी ये मिठाई बनी है। यकीन मानिए आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाइए, इंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।